हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक, डिग्री ऑफ कार्बन। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, अब इसमें देखेंगे कि कार्बन का डिग्री क्या हो सकते हैं, कार्बन के अंदर कौन कौन सा डिग्री हो सकता है। तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे होते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। सेकेंड होता है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। थर्ड होता है टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। एंड लास्ट होते हैं क्वार्टनरी कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कार्बन का जो डिग्री होता है, एक कार्बन का डिग्री होते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड लास्ट होते हैं क्वार्टनरी कार्बन। अब इसमें से एक एक को एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे यहां से प्राइमरी कार्बन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन होता क्या है, ठीक है? तो प्राइमरी कार्बन का मतलब होते हैं वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, मतलब जो डायरेक्टली जो कनेक्ट होगा, डायरेक्टली जो कनेक्ट होगा वो सिर्फ ओनली 1 कार्बन के साथ होगा। जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होगा सिर्फ एक कार्बन के साथ, ओनली 1 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल सपोज सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है CH3 एंड यहाँ पे CH3, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं इथेन, इसे बोलते हैं इथेन। अब यहाँ पे चेक करें कि इथेन के अंदर टोटल 2 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन। अब इसका डिग्री फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो जिस कार्बन को फाइंड करना है उसे मार्क कर लिए। अब यहां से देखते हैं कि ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 1 कार्बन के साथ कनेक्ट है, मतलब इस कार्बन का जो डिग्री होगा कौन सा डिग्री होगा, 1। उसी तरह से इस कार्बन का डिग्री चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसके साथ सिर्फ कनेक्ट है, तो इसका भी डिग्री क्या आएगा, 1 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल जो 1 डिग्री कार्बन आएगा वो टोटल कितने आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, सपोज ऐसे कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, एल्कीन है। अब इसके अंदर चेक करना है प्राइमरी कार्बन कौन कौन सा होगा। तो टोटल इस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सॉरी इसके अंदर 5 कार्बन है। अब प्रत्येक कार्बन का डिग्री चेक करते हैं, अब चेक करना है कि प्राइमरी कार्बन कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो टर्मिनल पे जो कार्बन है इसका डिग्री फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसका डिग्री क्या आएगा, 1 डिग्री कार्बन। उसी तरह से यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, सिर्फ इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री, मतलब टोटल जो 1 डिग्री कार्बन है वो कितना आ जाएगा, 2। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल जो प्राइमरी कार्बन बनेगा वो बनेगा 2। ठीक है, तो नेक्स्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।